सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। नहीं है और बैंक में काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने एटीएम और अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं अपने खाने पीने के लिए, आप उनकी भी जान को खतरे में डाल रहे हो। ये कमाल है। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वजह से जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। देखो, मैं उनकी बात समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है। अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के लिए एक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलिस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का खत्म हो गया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। मान लिया, बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ। कितने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ आप कि आप अपने परिवार वालों को कांधा दोगे, उनकी अति उठाओगे, इतना जिगर है आपने? क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? हर बात के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो ही हैं। एक पहलू यह है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे। आप डिसाइड करो और सब शुक्रिया अदा करो पुलिस फोर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सिस का, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो, उनको जिनको हुआ है, और एहतियात रखो कि ये आगे ना फैले, और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। धन्यवाद। फैजुन, आप सभी ने किस तरीके से सलमान खान कह रहे हैं कि कुछ बेवकूफों की वजह से कितना ज़्यादा देश को झेलना पड़ रहा है। खैर, सभी सलाम कर रहे हैं सलमान खान की इस वीडियो को। आपका रिएक्शन इन सब पर हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल इन ट्रेंड न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।